Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. कई महीनों से इस तरीके के वीडियोस दिल्ली में काफी आम हो गए हैं, वायरल हो रहे हैं, जिसमें खुल्लम खुल्ला बिना किसी डर के जो अपराधी हैं, जो बदमाश हैं, वो दिल्ली में आज इस तरीके से निरंकुश हो गए हैं कि वे खुल्लम खुल्ला सीसीटीवी के सामने मर्डर करने में नहीं हिचकिचा रहे हैं। और ये बातें लगभग आम हो गई हैं। जगह जगह दिल्ली सरकार द्वारा सीसीटीवी लगाए गए, उसके बावजूद हम देख रहे हैं सीसीटीवी में अपराधियों की पहचान होने के बावजूद अपराधियों के मन में लॉ एंड ऑर्डर का, पुलिस का भय खत्म होता जा रहा है। उसका बड़ा कारण यह है, अपराधियों को मालूम है कहीं ना कहीं हम दिल्ली पुलिस से बच के निकल जाएंगे। दिल्ली पुलिस के अंदर आप किसी भी थाने में चले जाएं, पुलिस बलों की भारी कमी है, क्योंकि जो पुलिस बल हैं भी वे भी वीआईपी सिक्योरिटी के अंदर व्यस्त हैं। और हर थाने के अंदर अगर आप किसी भी एसएचओ से बात करें तो आपको पता चलेगा, वो कहेंगे साहब हमारे पास कांस्टेबल ही नहीं है, हमारे पास हेड कांस्टेबल ही नहीं है, हम बीट के लिए कहाँ लगा दें। एक ज़माना था जब दिल्ली में हर मोहल्ले में एक बीट कांस्टेबल हुआ करता था, रात को उस बीट कांस्टेबल की गश्त की आवाज़ सुनाई दिया करती थी, मगर आज वो पूरी तरीके से ख़त्म है। RWAs भी अपनी सिक्योरिटी एजेंसी, अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी लगा के, अपनी कॉलोनी के चारों तरफ गेट लगा के अपनी सिक्योरिटी कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस और दिल्ली की कानून व्यवस्था सीधे तौर पे LG विनय सक्सेना साहब के अंदर आती है, केंद्र सरकार के सामने के अंदर आती है, मगर इसके ऊपर कोई काम होता नहीं दिख रहा। बल्कि ये आप भर्ती करने की कोशिश तो दूर, केंद्र सरकार ने दिल्ली पुलिस का बजट इस साल और घटा दिया है। यानी कि दिल्ली पुलिस के लिए केंद्र सरकार के पास ना मंशा है ना पैसा है। LG साहब लगभग हर हफ्ते किसी न किसी बात पे एक लंबा उपदेश दिल्ली की चुनी हुई सरकार के काम के विषय में लिखते हैं, मगर जो काम उनका अपना काम है, उनका कोर विषय है DDA और दिल्ली पुलिस, जो कि केंद्र सरकार के अधीन सीधे तौर पे आते हैं, वे जनता से कितना दूर हैं ये दिल्ली की जनता बता सकती है। इन दोनों के कामों में लगातार गिरावट हो रही है। एक तरफ DDA जिसके ऊपर कंटेम्प्ट चल रहा है कि कोर्ट को धोखा देके DDA ने दिल्ली के 1100 पेड़ काट दिए जो सीधा केंद्र और LG के अधीन है। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस जिसके अंदर कानून व्यवस्था आज इस हालत पे आ गई है कि दिल्ली के लोग आज दहशत में जी रहे हैं। दिल्ली के लोगों की सुरक्षा आज भगवान भरोसे है, किसी को नहीं पता कि उनकी रक्षा कौन करेगा।